हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब मैं आपको पवनदीप और उनके नया कौन सा एल्बम हो सकता है इसके बारे में डिटेल्स देने के लिए आ गई हूं। फ्रेंड्स, बात कुछ यूं है कि पवनदीप के तो यूं तो कई सारे चीजें शेड्यूल थी, बट माहौल को देखते हुए मैं अभी तो नहीं बता सकती कि इनका ये जो नया एल्बम है ये कौन सा होगा, कैसा होगा, शूट कब होने वाला है, लेकिन ये टू डू लिस्ट में है, मैं ये जरूर बता सकती हूँ आपको। अब कौन सा है ये एल्बम और डिटेल्स क्या है, तो फ्रेंड्स मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि ना तो मुझे ये बात पवनदीप ने बताई, ना मुझे अपने सोर्सेज ने बताई, ना मुझे पवनदीप से जुड़े हुए लोगों ने बताई। ये बात मुझे उस एक्ट्रेस ने बताई है जो शायद पवनदीप के साथ दिखाई दें या उनके एल्बम में दिखाई दें। तो जो एक्ट्रेस है उनका नाम है अंजलि। आप इन्हें तेरे बिना जिया जाए ना इस सीरियल में जी पर जो आता है, इस सीरियल में आप मेन लीड के किरदार में देख सकते हैं। एंड बिलीव मी, शी इज वेरी क्यूट, बहुत प्यारी लगती हैं, बातचीत में भी बहुत अच्छी हैं। और इनसे मैं एक ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिली थी और फिर मैंने जस्ट एक फ्रेंडली बातचीत में पूछा कि ये आपका और पवनदीप का क्या दोस्ती है, बिकॉज आप दोनों उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। सो देन उनका क्या कहना है ये आप देख लीजिए। तो अपनी जगह का है, पवनदीप अपनी जगह का है, बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा, बहुत टैलेंटेड है। इनफैक्ट हम बहुत जल्द कुछ साथ में करने भी वाले हैं, करने वाले थे, मेरे डेट्स अवेलेबल नहीं थी तो नहीं हो पाया, बट एक बहुत जल्द हम लोग कुछ काम साथ में करने वाले हैं, तो दो पहाड़ी साथ में आने वाले हैं, सो लॉट्स ऑफ एक म्यूजिक एल्बम होगा साथ में, सो लेट्स सी। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, सर्टनली अभी का जो माहौल है उस वजह से बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं। अंजलि, अगर मैं उनकी बात करती हूँ तो अंजलि एक डेली सोप में मेन लीड का किरदार निभा रही है और जितना भी मैंने टेलीविजन सीरियल्स या रियलिटी शोज कवर किए हैं इतने कई सालों से, उसके हिसाब से बताती हूँ कि जो डेली सोप में काम करने वाले एक्टर्स होते हैं, उफ, मतलब सीरियसली सलाम करने की इच्छा होती है इन लोगों को, क्योंकि इतना काम करते हैं, इतने ज्यादा डेडिकेटेड होकर अपने हर एक सीन पर ध्यान देते हैं और सीरियसली इनके पास टाइम नहीं होता है। दे कैन नॉट डिसाइड कि वो कब फ्री होने वाले हैं, एक के बाद एक सीन्स लगे रहते हैं। अब पवन की बात करती हूँ, पवन का चूंकि एक के बाद एक शोज लगे हुए थे और कोरोना और ओमिक्रॉन की वजह से ये शोज या तो मुलतवी कर दिए गए हैं या फिर अभी सिर्फ डिक्लेयर किए गए हैं कि इस डेट को नहीं हो रहे हैं। सो जो भी है, ओवरऑल सिचुएशन की वजह से पवन के भी स्केड्यूलिंग में फेरबदल आया है। तो अब ये देखना दिलचस्प मेरे लिए भी है कि इनका टाइम यानी अंजलि का टाइम और पवन का टाइम कब मैच होता है और कब ये दोनों एक दूसरे के साथ आकर इस एल्बम को अंजाम देते हैं। सर्टनली अभी तक बहुत सारी चीजें इन लोगों के बीच में तय नहीं हो पाई थी जब तक मेरी बात हुई थी, तो अंजलि ने मुझे बताया कि किस तरीके का होगा, रोमांटिक होगा या नहीं होगा, कुछ तय नहीं है अभी, लेकिन जब भी टाइम मिलेगा तो मेरा पहला काम है कि पवन के साथ मिलकर मैं इस एल्बम को अंजाम दूं। So, अंजलि के जो बड़े वाले फैंस हैं उनके लिए भी खुशखबरी है और जो पवन के फैंस हैं उनके लिए भी खुशखबरी है कि कब हो रहा है इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन ये पवन के टू डू लिस्ट में जरूर है। अब आप मुझे बताइए इस पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में आपका क्या कहना है, लिखकर बताइए। जय हिंद।